हे गाइस, स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। और ये है हमारे पास चॉक, ये है डस्टलेस चॉक। और ये आप देख सकते हो, इसको मैंने कुछ दिनों पहले ही मंगाया था। और यहाँ पर आप इसका प्राइस देख सकते हो, 35 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो आज हम इसका इस चैनल पर पहली बार चॉक का पेस्ट बनाने वाले हैं और उसको हम इसमें रखेंगे। तो आज हम चॉक का पेस्ट बनाने वाले हैं और देखते हैं कि कैसा पेस्ट बनता है, कैसी इसे खुशबू आती है और कैसा पेस्ट बनता है, देखते हैं। तो वीडियो देखने में मज़ा आने वाला है, तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और नीचे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहले मैं आपको चॉक दिखा देता हूँ कि चॉक कैसे है। ये देखिए, ये है चॉक, ये देखिए कुछ इस तरह के चॉक है, जो कि देखने में बहुत अच्छे भी है, हल्के बहुत है। ये देखिए, तो कुछ चौक हम ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए, पहली बार बना रहे हैं तो थोड़े से ज़्यादा ही ले लेते हैं। तो ये कुछ चौक ले लिए हैं हमने यहाँ पर, इसको रखते हैं साइड में और इसको, इन चौक को यहाँ रखते हैं। तो ये मेरे पास एक पत्थर है, इसकी हेल्प से हम इसको कूटेंगे। वैसे उतने सख्त भी नहीं है। मैं पहले फ़ोन को एक जगह रख देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम पाउडर बनाते हैं चौक का। इसका पाउडर बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली बन जाता है, क्योंकि अंदर से ना मुझे सॉफ्ट लगे है, स्लेट पेंसिल की तरह हार्ड नहीं है। ये देखिए, बहुत आसान तरीके से ये इसका पाउडर बन रहा है। ये हमारा पाउडर लगभग तो तैयार हो चुका है, अब हम इसको अच्छे से बिल्कुल बारीक कर देते हैं। ये देखिए, इतने से चौक पे कितना ज़्यादा पाउडर बन चुका है। ओके, तो ये पाउडर बन चुका है हमारा। ओके, तो ये हमारा पाउडर तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पाउडर को सबसे पहले इसके अंदर डाल देते हैं। एक्चुअली पूरा पूरा बिल्कुल आटे की तरह तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा बड़ा मुश्किल है इसको बनाना, इसलिए हम ऐसे ही इसका पेस्ट बनाएंगे। आधे से ज़्यादा पाउडर तो नीचे ही फंसा है, कोई ना,
इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको हम साफ कर लेंगे। ओके, जितना पाउडर है हमारे पास, ये हमारे पास इतना पाउडर है। अब हम इसका बनाते हैं पेस्ट। पेस्ट बनाने के लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है पानी। इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद आप लोग देख सकते हो कैसा हो गया है। ये बिल्कुल आटे की तरह बन रहा है। खुशबू एक्चुअल में ना, इसकी खुशबू स्लेट पेंसिल की तरह आ रहा है। मैं सच बात बोलूँ, हल्की सी वैसी अद्धी स्मेल आ रही है, और जो कि बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। मतलब बिल्कुल ऐसा मन कर रहा है स्मेल करके कि इसको खा ही जाऊँ, इतनी ज़्यादा अच्छी बोल सकते हो या अद्धी स्मेल इसकी आ रही है। ये देखिए, तो ये हमारा पेस्ट हो चुका है तैयार, बिल्कुल थिक पेस्ट है। फर्स्ट टाइम इसका पेस्ट बनाया, लेकिन इसका पेस्ट ना बहुत अच्छा आया है, या फिर बहुत अच्छा इसका पेस्ट बना है। सबसे ज़्यादा ना, मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे ज़्यादा इस पेस्ट के साथ स्लेट पेंसिल खाई जाती है। जितनी वीडियोस आप लोग यूट्यूब पर देखोगे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की देखोगे जो ये सब चीज़ें खाते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर इसी इसी पेस्ट के अंदर ही स्लेट पेंसिल को खाते हैं, इसी पेस्ट के साथ ही उसको खाते हैं। अब इसका पेस्ट टेस्ट में कैसा होता होगा वो तो मुझे नहीं पता, ना मैंने इसको टेस्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इससे मेरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। इसलिए हेल्थ के साथ नो रिस्क, ना इसका टेस्ट करना है ना इसको खाना है। इसका क्या करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लग ही जाएगा, नेक्स्ट नहीं तो उससे नेक्स्ट तो पता लग ही जाएगा आप लोगों को। तो ये हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो ये हमारा पेस्ट बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं कि कैसा पेस्ट बना है। बाकी आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आप लोगों ने कभी ये टेस्ट किया है, अगर टेस्ट किया है तो आपको टेस्ट में कैसा लगा है, ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हो। और नीचे चैनल को अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो, अगर आपने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख दो। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी और भी वीडियोज़ इस चैनल पर लाता रहूँगा, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो, और नीचे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से आप लोग बता सकते हो कि क्या आप लोगों को ये टेस्ट लगता है या नहीं, आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हो। और नीचे आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दो वीडियोज़ आ रही होगी, आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो।